हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कौस्टी चैनल। देखिए, बाजू की कटिंग कर ली है। बिना जोड़ पाइपिंग लगाकर बाजू की स्टिचिंग कैसे करें, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से स्टिच की हुई बाजू देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये सलवार का कपड़ा लिया है, दोनों बाजू के लिए 1.5 इंच की पट्टी की कटिंग कर ली है। इसे इस तरीके से फोल्ड करके बाजू के साइड में इस तरीके से रखकर यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। ऐसे ही दूसरी बाजू में भी हमें पट्टी रखकर स्टिचिंग कर लेनी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे स्टिच करें। अब हमें आर्म होल वाली साइड से पट्टी को इस तरीके से रखना है, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखनी है। लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन है, इसको बराबर सेट करने के लिए हमें नीचे वाली साइड से अब इस पाइपिंग को स्टिच करना है। देखिए, आप इस तरीके से बाजू को रखें और यहाँ पर फोल्ड करके 1/2 इंच की स्टिचिंग करते जाएं। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें थोड़ी सी पाइपिंग अंदर की तरफ रखनी है और 1/2 इंच पर स्टिचिंग करते जाना है। इस तरीके से स्टिच की हुई बाजू में आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर हमने जोड़ लगाकर स्टिच किया है। अब पाइपिंग को स्टिच करने के बाद दूसरी बाजू पे आप इस तरीके से फोल्ड करके रखें और यहाँ पर इन दोनों को बराबर मिलाकर स्टिचिंग करते जाएं। अगर आपको जोड़ वाली बाजू ना पसंद हो तो इस तरीके से आप सेंटर में पाइपिंग लगाकर बाजू की स्टिचिंग कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पाइपिंग बची है उसकी कटिंग कर दें और यहाँ से स्टिचिंग कर लें। और साइड में जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा है इसकी भी आप कटिंग कर दें। देखिए, एक बाजू की पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। आप देख रहे होंगे इसका डिज़ाइन बिल्कुल बराबर आया है। ऐसे ही दूसरी बाजू की पाइपिंग को भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इस पाइपिंग वाली बाजू को शर्ट के ऊपर किस तरीके से स्टिच करना है। आप सेंटर से इस तरीके से बराबर करके रखें। शर्ट को मैंने पहले ही स्टिच कर लिया था। अब यहाँ से जो तीरा है और जो पाइपिंग है, इन दोनों को बराबर मिलाकर यहाँ से हमें स्टिचिंग करनी है। ऐसे स्टिच की हुई बाजू देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको ये ज़रा भी जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।